कोर पेपर बना के दिया था डॉक्टर के साथ ही यानी के कम से कम भी चार से पांच हफ्ते जो है ना वो पहनना है तो कीमत जो है ना 120 सौ बीस है ठीक है अंकल भाई जो मोजी है ना मोजी। बड़े हैं वालेकुम हबीबी दिस इज जर्मनी ओके चलो जर्मनी आपको तो पता है मैं जर्मनी में रहता हूँ तो आज का नया दिन मेरी जान डॉक्टर के पास के लिए आज की अपॉइंटमेंट है लेटर बॉक्स जो है वो मैं बाद में चेक करूँगा क्योंकि अभी दस तस, साढ़े नौ अभी इस टाइम में कोई भी नहीं आया होगा लेटर वगैरह तो वो सामने गाड़ी खड़ी है वीडियो को तो लाइक किया करो सब्सक्राइब किया करो तुम लोग करते ही नहीं हो लाइक सब्सक्राइब जो है ना वो किया करो वीडियो को थोड़ी सी सपोर्ट होती है बंदे को लो जी डॉक्टर के पास पहुँच गया हूँ तो अभी फ़िलहाल आधा घंटा है मेरे टाइम को दस बजे और अभी जो नौ है नौ बज के पैंतीस मिनट हुए हैं जो है ना यहाँ पे डॉक्टर बैठता है आर्थोपेडी जहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे उस ये पूरा यानी कि ऊपर में ये सारा उसके पास है डॉक्टर के पास है काफ़ी दस बारह कमरे बने हुए हैं यानी कि एक डॉक्टर नहीं बैठता तकरीबन मेरे यहाँ से पाँच या छः डॉक्टर्स हैं जो बैठते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं मैं जाके देखता हूँ कौन सा डॉक्टर चेक करेगा डॉक्टर से तो फ्री हो गया हूँ तो उसने एक और पेपर बना के दिया था डॉक्टर के साथ ही यानी कि वो सामने डॉक्टर है इस साइड पे ठीक है वहाँ से निकल के मैं आया इस गेट में यहाँ से मैं ऊपर गया हूँ ऊपर एक शॉप है बनी हुई जहाँ पे जो जहाँ पे उसने अब नया जो है ना वो बैंडेज लिख के दे दिया ठीक है वो बैंडेज इस तरह का है जिसके साइड पे ना प्लास्टिक साइड लगा हुआ है जैसे वो यानी कि पूरे पाँव को जो है ना वो शिकंजा सा बन जाता है कि पाँव साइडों पर हिलेगा नहीं ठीक है वो कम से कम भी चार से पाँच हफ्ते जो है ना वो पहनना है तो मुझे डॉक्टर ने बोला जी दो हफ़्ते और मैं तुझे छुट्टी लिख के दे रहा हूँ तो दो हफ़्ते के बाद जो है ना तो आ मैं उसे बोला, भाई नहीं तो मुझे जो है ना अगले इतवार तक छुट्टी लिख दे सोमवार को मैं आके फिर चेक कराऊँगा कि अगर मेरा काम चलता हुआ तो मैं काम पर जाऊँगा नहीं तो फिर आगे बढ़वा लूँगा इतनी टेंशन ना चल ठीक है कोई मसला नहीं है कोई मसला नहीं है हैर अब करके दे दिया पेपर यहाँ पे दे दिया है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कानून है कि ये जो है ना अब मेरी उस कंपनी को जो है ना जिसकी इंश्योरेंस है उसको पहले लेटर लिखेंगे ईमेल करेंगे कि ये ये आया तो आप इसका जो है ना अपने नाम पे लेते हो तो वो अगर बोलेंगे हाँ हम लेते हैं तो ठीक है नहीं तो उसकी कीमत जो है ना एक सौ है ठीक है अगर वो नहीं लेंगे तो फिर मुझे अपनी जेब से वो देना पड़ेगा अगर मैं चाहूँगा तो नहीं तो नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए वो मैं नहीं लूँगा लेकिन हंड्रेड परसेंट शोर है कंपनी लेगी क्योंकि ये काम पे हुआ है अगर घर पे हुआ होता ना तो फिर तो मुश्किल था ये काम पे हुआ है प्रॉब्लम तो इसीलिए काम वाले जो है ना वो पे, पे करेंगे इंश्योरेंस वगैरह आज गर्मी बहुत ज़्यादा है आज गाड़ी की पार्किंग अच्छी जगह पर मिल गई है आपको वो पीछे मेरी गाड़ी नज़र आ रही होगी तो पक्का जो है ना ऑफिस है ठीक है ये मेरा पेपर है जो मुझे इसमें डालना है आपको इसको ये इसमें जो है ना इस तरह करके डाल दूंगा मैं तो आ, डाल दिया पेपर तो जो है ना अब क्या है कि मेरे ऐसे से एक बजे या दो बजे के करीब जो है ना ऊपर से बंदा नीचे आता है वो सारी पोस्ट वग़ैरह निकालता है लेके ऊपर चला जाता है जो एक बजे एक दो बजे के बाद में आएगी वो कल निकलेगी ठीक है ऊपर जाके तो अपना मेरा एंट्री कर देंगे उसमें सारी सही है तो अभी मैं चलता हूँ और उस साइड में जाऊँ गाड़ी वो सामने खड़ी है मेरी ये शील्ड जो है ना ये लाजमी लगानी पड़ती है पी वाली ब्लू जो पड़ी हुई है अच्छा ये सामने जो है ना ड्राइविंग स्कूल है मैं इधर आया तो बिल्कुल छोटा सा एक कमरे का स्कूल बना हुआ तो मैं आके ना इन्हें पूछा या इस तरह से मुझे जो है ना करना है तो, तो थ्योरी की एप्लीकेशन होती है ठीक है ये मेरे घर के बिल्कुल पास था ठीक है दो पास है बिल्कुल तो एप्लीकेशन का इसने मुझे बताया जी एक सौ बीस के पर आवर जो गाड़ी क्या होगा ना पर मिनट वो एक यूरो पचास सेंट होगा ठीक है अच्छा तो ये ए, फिर वो एक होती है मतलब मोटर वे पे चलानी फिर हाईवे पे चलानी इस तरह जो ना है ना मुख्तलिफ होती हैं ठीक है तो वो नाइट में एक दफ़ा चलानी इसका सारा मिला के ना तो वो तकरीबन मुझे खाली जो है ना दो हज़ार से ढाई हजार सिर्फ इन लोगों को देना था और मैंने किया दूसरी जगह से वहाँ से तकरीबन मेरा टोटल मेरे से मिला के ना तो वो भी ज़्यादा घंटे मैंने लगाए उसकी वजह से जो है ना मेरा चौदह सौ से पंद्रह सौ लगा क्योंकि थ्योरी लेट हो रही थी उस वजह से तो नहीं तो बारह सौ में मेरा काम हो जाना था सारा यार कसम से घर बैठे बोर हो रहा हूँ कहीं निकलने का टाइम नहीं मिल रहा कुछ नहीं दिल भी नहीं कर रहा कहीं पर मैं सोचा बैठ के ये चिप खाओ एक किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए इसकी करने के बड़े मज़ेदार चिप्स है यहाँ पे जर्मनी में मिलते हैं तकरीबन डेढ़ यूरो का एक छोटा सा पैकेट है पाकिस्तानी कर लो तकरीबन कोई साढ़े चार सौ पाँच सौ का ये सिर्फ छोटा था पैकेट पर मज़ेदार है ये आगे लाइव में इस गाड़ी की मैं दिखा रहा था अंकल भाई जो है ना बड़े मोजी हैं मोजी समझ लो इस गाड़ी का पहले जो कलर है ना वो था आप, क्या कहते हैं इसे गोल्डन जिसका मेरे वेस्पे का कलर है तो गोल्डन से फिर इन्होंने चेंज करवा के तो अब ये वाला कलर करवाया हुआ है ठीक है जो शाइन होता है धूप में तो यार बड़े मोजी हैं बाहर निकलेंगे आवाज़ फुल डेक ऊंचा होगा गाड़ी की बाहर से वापस आएंगे यानी कि ऊपर बैठे हुए पता चलेगा कि अंकल आ रहे हैं लो अभी गया था मैं घर से थोड़ा सा बाहर निकला था सामान खाना पीने का ख़रीदने के लिए वो ख़रीद के ले आया ज़रूरी नहीं था आप लोगों को दिखाता मैंने क्या ख़रीदा कितने का खरीदा वही चीज़ें घर की सामान इधर उधर ठीक है वो ले के तो अभी घर पहुंचा हूं शाम भी हो गई है तो यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं और अभी वीडियो बैठ के एडिट करूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर करना मत भूलिएगा चैनल जो है लाइक भी कर दिया करो यार उंगली तो आपकी दुखती है मुझे पता है लेकिन थोड़ी सी और दुखा लो